हेलो एवरीवन, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वीडियो है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इसकी सेम जो है वीडियो, वो मैंने इंग्लिश में डाल दी थी, लेकिन कुछ दोस्तों के मेरे पास मैसेज आए कि थोड़ा सा एक बार हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दो। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती क्या है? बेसिकली इट कैन बी डिफाइंड एज ए लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। तो जो ब्रोंकाई होती है हमारे लंग्स के अंदर, उसकी अगर लॉन्ग टर्म लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन होती रहे, उसमें कोई इन्फेक्शन बन जाए या कोई और चीज़ बन जाए, उसके कारण क्या होता है, एक प्रोडक्टिव कफ होएगी। मतलब जो बलगम के साथ जो खांसी आती है, ठीक है, तो बलगम के साथ खांसी अगर 3 महीने से ज़्यादा हो रही है 2 साल के अंदर अंदर स्पैन में, मतलब अगर आज से अपन देखें 2026 तक, अगर किसी के 3 महीने से ज्यादा खांसी रह रही है और बलगम वाली खांसी रह रही है, तो इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हम बोल सकते हैं। अब जो खांसी रहती है इन जिन भी पेशेंट्स के इस तरह की खांसी होती है, इसको स्मोकर्स कफ भी बोला जाता है। स्मोकर कफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कॉज है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, वो है स्मोकिंग। तो अब इटियोलॉजी में वो हम पढ़ेंगे। इटियोलॉजी में क्या है कि जो टोबैको स्मोकिंग है, ये है इसका मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर पोल्यूटेंट्स, डस्ट एंड अदर इरिटेंट्स। कोई किसी भी तरह के, अगर मान लो कोई पोल्यूटेंट सिटी में रह रहा है ज्यादा, जैसे मान लो दिल्ली एनसीआर का एरिया हो गया या फिर फरीदाबाद हो गया, तो यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया काफी ज्यादा है, इंडस्ट्रीज हैं, गाड़ियां वगैरह ज्यादा हैं, तो वो उस तरह का एयर पोल्यूटेंट हो गया, डस्ट या फिर कोई अलग तरह के इरिटेंट्स, ठीक है। पीपल विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस, मतलब जिन पेशेंट्स के या जिन लोगों के पहले से ही कोई और तरह की रेस्पिरेटरी की बीमारी है, जैसे अस्थमा होगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी, ब्रोंकाइटिस होगी, तो इनमें ज्यादा चांसेस हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के होने के, ठीक है। तो ये तो होगी बेसिकली जो इटियोलॉजी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टोबैको स्मोकिंग है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आ जाते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या है कि भाई पेशेंट जो आएगा उसके क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो इसके हिसाब से क्या है कि दिक्कतें जो जो आएंगी उसमें अपन देखते हैं। सबसे पहले जो बताया आपको कि बलगम वाली खांसी होएगी, बहुत ज़्यादा सेक्रीशन होएगा और इसके अंदर बलगम। दूसरा, कुछ कुछ पेशेंट्स के सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, जिनके लंग्स थोड़े से कमजोर हैं। तीसरी चीज़ क्या रहेगी, जो पेशेंट रहेगा उसकी कॉमन कंप्लेंट रहेगी कि जी हमेशा मैं थका थका रहता हूँ, तो जनरलाइज्ड मलेज और फैटीग भी रहेगी। वीजिंग रहेगी, इसमें वीजिंग कैसी रहेगी, जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ते वक्त जो आवाज आएगी ना, वो वीज की साउंड आएगी। ब्रीदिंग आउट के टाइम पे वीज इनकी साउंड आएगी, क्योंकि सांस जो हवा है अंदर, ऑक्सीजन है अपने जैसे हम ले रहे हैं, तो उसको बाहर निकालने में थोड़ा सा जोर लगेगा पेशेंट का, ठीक है। उसके कारण से वीजिंग साउंड ब्रीदिंग आउट के टाइम पे आएगी। पेशेंट कंप्लेंट करेगा चेस्ट टाइटनिंग और डिस्कम्फर्ट की, यूजली सोर थ्रोट रहेगा, ब्लॉक्ड साइनेसिस वगैरह रहेंगे, ये भी मतलब साथ की साथ चलता रहेगा ये सारा। ये ऐसा एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये सारे सिम्टम साथ की साथ चलते रहेंगे। और यूजली जो पेशेंट होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के, वो थोड़े से मोटापा होता है उनमें और एडिमेटस होते हैं, ठीक है। तो इनमें लेटर स्टेजेस में माइल्ड साइनोसिस भी हो सकती है, क्योंकि इनको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है सांस निकालने के लिए बाहर, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर से जो लंग्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। कुछ में रिवर्सिबल चेंज होता है, कुछ इरिवर्सिबल चेंज होता है, वो इस वीडियो में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इसलिए इनको ना, जो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, मतलब हर किसी में नहीं दिखेगी ये, लेकिन किसी किसी पेशेंट में ये दिख जाएगी। तो ओबीज एडिमेटस विद माइल्ड साइनोसिस, इनको ब्लू ब्लोटर्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसकी जो लेटर स्टेजेस रहेगी डिजीज की, लेटर स्टेजेस में क्या रहेगा, लेटर स्टेजेस में जो होता है कोरपल मेनाले हो जाता है। कोरपल मेनाले बेसिकली क्या है, जो राइट साइड की अपनी हार्ट है, ठीक है, उसका फेलियर हो जाएगा, राइट हार्ट फेलियर, उसके कारण कोरपल मेनाले की स्टेज बन जाएगी, जिसके कारण जो है साइनोसिस वगैरह ये सब प्रीडिस्पोज हो जाएंगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि इसमें जो एमाइलाइडोसिस है उसका रिस्क ज्यादा रहता है, ए ए टाइप का, जो ए ए टाइप के एमाइलाइडोसिस है वो होने के ज्यादा चांस होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के अंदर। तो ये बेसिकली क्या था कि इसकी डेफिनेशन वगैरह और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या रहेगी और इटियोलॉजी क्या है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ते हैं हम, कि इसकी भाई पैथोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी में जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं इसकी पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में क्या है, जो आपको पहले ही बता दिया इटियोलॉजी के अंदर, कि भाई जो टोबैको स्मोक है वो 90% केसेस में वही जो मेजर कॉज होता है, ठीक है, या फिर एयर पोल्यूटेंट्स वगैरह हो गए, अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा हैं, ठीक है, या फिर कोई और तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, या फिर पूरी तरह से जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है मोस्टली उनमें ये चीज़ रहती है, ठीक है, या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तो उसके कारण क्या रहेगा, अगर उनका एक्सपोजर रहेगा ना, तो
कांस्टेंट इरिटेंट रहेगी, जो हमारी जो लंग्स है उन पर कांस्टेंट इरिटेशन होती रहेगी, ठीक है। इसके कारण क्या होगी, जो हमारी सबम्यूकोसल ग्लैंड हो जाएंगी ना, वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, उनका साइज बढ़ जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, सेल्स नहीं बढ़ेंगे, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है वही सेम ऑक्सीजन को निकालने के लिए और अंदर लेने के लिए, क्योंकि वो इसलिए ये सबम्यूकोसल ग्लैंड की जो है हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ब्रोंकियल ट्री के अंदर। इसके साथ साथ क्या रहेगा, जो गोबलेट सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। गोबलेट सेल्स का अब जब मेन काम रहता है, ये क्या रहता है, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव रिएक्शन रहता है बॉडी का, कि भाई अगर मान लो किसी में कोई भी तरह का इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो गोबलेट सेल ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन-13 रिलीज करते हैं, ठीक है, इन पोल्यूटेंट्स और इरिटेंट के कारण, जिसके कारण जो है गोबलेट सेल बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही गोबलेट सेल बढ़ेंगे, गोबलेट सेल का काम क्या है कि भाई इन्हें लगेगा कि भाई अंदर जो है वो क्या कहते हैं म्यूकस कम बन रहा है, जिसके कारण से ल्यूब्रिकेशन नहीं हो रही प्रॉपरली, तो ये म्यूकस सेक्रेट ज़्यादा करने लगेंगे, इसलिए वो सिम्टम आता है जो आपको बताया था कि क्रोनिक कफ के साथ बलगम ज़्यादा बनेगा पेशेंट्स के अंदर। इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये म्यूकस सेक्रेशन ज़्यादा होगा, तो जो स्मूथ मसल्स हैं एयरवेज में वो ज़्यादा क्या कहते हैं उनका, एक तो थिक हो जाएंगी और वो ब्रोंक्यूल्स को क्या कहते हैं नैरो कर देंगी बिल्कुल, उसका जो ब्रोंक्यूल का जो डायमीटर होगा ना वो श्रिंक हो जाए होने लग जाएगा, ठीक है। तो सीलिया जो रहेंगी हमारे, जो प्रोटेक्टिव जो लाइनिंग होती है एपिथीलियम में, वो सीलिया जो है वो इतने ज़्यादा सेक्रीशन जो बन रहा है ना उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगी, ठीक है। अगर वो उनको बाहर नहीं निकाल पाएंगी तो एयरवे ब्लॉक होने लगेगा, इसको बोलते हैं इस पॉइंट तक कि भाई रिवर्सिबल है ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कि भाई पेशेंट अगर मान लो अपनी जगह चेंज कर ले, या फिर अगर जगह चेंज ना कर सकता हो तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, जैसे स्मोकिंग वगैरह ये सब चीज़ें बंद कर दे, तो यहाँ इस पॉइंट तक ये चीज़ रिवर्सिबल है, पेशेंट ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो डीपर चला जाता है लंग्स में और बहुत मुश्किल हो जाता है उसको निकालना, ठीक है। तो ये पेशेंट्स की कंप्लेंट रहेगी, पेशेंट जब भी आएंगे ना, कि भाई हम पूरे दिन खांसते रहते हैं, बलगम भी निकलता है, लेकिन ऐसा रहता है कुछ भरा भरा सा है, तो छाती इनकी ऐसे भरी भरी सी वो करेगी, और जैसे ही ये ब्रीद आउट करेंगे तो वीजिंग के साउंड आने लग जाएंगे, ठीक है। इसके कारण अगर ज़्यादा समय तक म्यूकस उधर रह गया तो जो ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे वो इन्फ्लेम्ड और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन चलती रहेगी, ठीक है, इसके कारण जो ब्रोंक्यूल्स का है वो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, और फिर ये फाइब्रोसिस भी हो सकती है लेटर स्टेजेस में, और यहाँ के बाद फिर क्या है, ये इरिवर्सिबल वो है क्या कहते हैं एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, इसके बाद इरिवर्सिबल हो जाएगा, इसके बाद आप उसको पेशेंट को नॉर्मल नहीं कर सकते, हाँ लेकिन दवाइयों से क्या होगा कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो कम कर सकते हैं इसके बाद हम सिर्फ। फिर अगर यही कंटिन्यू रहा तो इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्लड वेसल्स तक जाएगी, ठीक है, जिससे जो है कैपिलरी बेड वॉल की एट्रोफी भी होने लगेगी, जो पूरा फाइब्रोसिस के बाद वाला स्टेज है वो एट्रोफी वाला होता है, ठीक है। अब जैसे ये एट्रोफी स्टार्ट होगी ना, तो जो प्रेशर है पल्मनरी सर्कुलेशन का वो इंक्रीज होने लग जाएगा, जिसके कारण जो है कोर पल्मोनरी हो जाता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो ये थी जो बेसिक पैथोलॉजी है इसकी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड। अब पढ़ते हैं इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर हम मेन जो डायग्नोसिस देखें वो क्लिनिकली ही पेशेंट का पता लगता है इसमें, क्योंकि ये और सारे जो वो हैं हमें रूल आउट करने पड़ते हैं, और सारे डिजीज, जैसे ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, रेस्ट्रिक्टिव डिजीज नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ कौन कर रहा है, ज्यादा जो म्यूकस सेक्रेट हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का डिजीज है, ये सीओपीडी के अंदर आता है। तो सीओपीडी जो है उसके अंदर एम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये दोनों क्या कहते हैं डिजीजेस कवर किए जाते हैं। तो क्लिनिकली आपको बता ही दिया कि भाई जो बलगम वाली खांसी रहेगी एटलीस्ट 3 महीने रहनी चाहिए, 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। पहला तो ये हो गया भाई, पेशेंट से ये पूछ लो, ठीक है। उसके बाद अगर उसके कोई और क्लिनिकल साइन दिख रहे हैं कि भाई उसके क्या कहते हैं ब्रीदिंग कैसी है, और क्या कहते हैं ऑस्कल्टेट करके देख सकते हैं हम, ठीक है, कि भाई वीजिंग साउंड आ रहा है क्या, किस टाइम पे आ रहा है, या इस तरह की चीजें, ठीक है। उसकी डाइट वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई खाना वाना कम हो गया है, बुखार रहता है, कोई और तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो ये सारी चीजें उससे पूछी जाएगी। उसके बाद क्या होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग में हम बेसिकली स्पायरोमीट्री
करते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रोंको डायलेटर दिया जाता है पेशेंट को अपने ओपीडी सेटिंग में बुलाकर, और फिर वहां पर अपने को ये देखना होता है कि उसकी जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन वॉल्यूम है, ठीक है, वो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की जो रेशियो है वो लेस देन अगर 0.7 है ना, तो फिर ये कंफर्म कर देता है कि भाई इसके जो ब्रोंकियोल्स हैं वो डैमेज होना या तो स्टार्ट हो गए हैं या फिर डैमेज हो गए हैं। ये जितना ज़्यादा और कम रहेगा उसमें उतनी ज़्यादा इशू ज्यादा रहेगा पेशेंट के। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं, लेकिन जो चेस्ट एक्सरे होते हैं ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, क्योंकि जो ब्रोंकियोवैस्कुलर मार्किंग्स है और जो कार्डियोमेगेली वाला जो साइंस है ये बहुत लेटर स्टेजेस में आते हैं और इतने ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होते। एक बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है रीड इंडेक्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है और पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है कि भाई पेशेंट अगर एक्सपायर हो जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला, तो उसमें अगर पोस्टमार्टम होता है तो उस पोस्टमार्टम फाइंडिंग में अपने को ये रीड इंडेक्स देखना होता है। तो इसमें क्या रहता है कि नॉर्मल जो पेशेंट रहते हैं उनमें रीड इंडेक्स जो है वो लेस देन 0.4 होता है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर ये जो रीड इंडेक्स होता है ये मोर देन 0.5 हो जाता है ड्यू टू सब म्यूकोसल ग्लैंड जो होता है उनका नंबर बढ़ने के कारण। बेसिकली क्या होता है, जो पूरी हमारी एपिथीलियम होती है उसकी लाइनिंग होती है, तो उसमें सब म्यूकोसल ग्लैंड होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर इतना एरिया आपका सब म्यूकोसल ग्लैंड पहले नॉर्मल वाला था, तो सब म्यूकोसल ग्लैंड का जैसे ही साइज बढ़ेगा ना, तो वो उसको नैरो कर देंगी एयरवे को। तो वो जैसे ही उसको नैरो करेंगी ना, तो जो उसकी रेशियो होती है कि भाई इसकी इसकी डेप्थ की, जैसे मान लो अगर ये पूरा एक सब म्यूकोसल ग्लैंड का एक पोर्शन है, तो ये जो है ये साइज बढ़ जाएगा सब म्यूकोसल ग्लैंड का, और इधर से भी ये बढ़ जाएगा, तो इधर से बढ़ जाएगा, तो इधर वाला जो अपना एयरवे है ना वो नैरो हो जाएगा। तो वो अगर नैरो हो गया ना, तो उसके बाद फिर ये अपन को ये रीड इंडेक्स जो है वो पोस्टमार्टम फाइंडिंग में दिखाई देगा क्लियरली कि भाई इसकी सब म्यूकोसल ग्लैंड थी वो बढ़ी हुई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो बेसिकली क्या है, ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप नॉन रिवर्सिबल पे हो, रिवर्सिबल पे हो, फाइब्रोसिस पे हो, या किसी भी स्टेज ऑफ डिजीज पे हो, आपको सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपको स्मोकिंग बंद करनी है, क्योंकि ये फर्दर इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो सबसे पहले तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है पेशेंट को, कि भाई पेशेंट आता है 100% ऑक्सीजन के साथ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और देखना है किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो उसके कारण वो रहेगा कि जो उसकी कम जा रही है तो राइट साइड हार्ट फेलियर का जो चांस होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हम पूरी तरह से भेज रहे हैं, पल्मोनरी वेसल्स पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकोडाइलेटर्स वैसे तो इतने यूजफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी हम देते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स को, ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लाबा के साथ। ठीक है, इनको इनके साथ दिया जाता है। लाबा में अब कौन कौन से, जैसे मान लो फॉर्मेटेरोल हो गए, सेलमेटेरोल हो गए, ये होते हैं अपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बाकी मस्करेनिक एंटेगोनिस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें लामा और लाबा दोनों दिए जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक अगर पेशेंट के सिम्टम्स हमने ठीक करके रखे तो लामा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्लिडिनियम और ग्लाइकोपाइरोलेट होते हैं। ठीक है, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह भी दे सकते हैं, आईसीएस होते हैं जो अपने। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ एनी सेकेंडरी इन्फेक्शन लाइक न्यूमोनिया, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर मान लो पेशेंट के न्यूमोनिया भी चल रहा है, साथ के साथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रीडिस्पोजिशन भी आ रही है, तो उसमें फिर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट भी देना होता है। मतलब इसमें क्या रहता है कि पेशेंट को भाई अपने इसमें इनवॉर्ड पेशेंट करना पड़ेगा, बेसिकली एडमिट करना पड़ता है, 10-15 दिन अपने पास रखना पड़ता है, तो उसके बाद उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दी जाती है, वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जिसमें बाईपैप वगैरह और ये सब हम देते हैं पेशेंट को, ताकि अच्छे से जो म्यूकस है और वो सारी चीज़ें हैं, इन्फ्लेमेशन है, हम उसको रिजोल्व कर लें और अच्छे से क्लियर आउट कर लें। तो भाई ये पूरी जो वीडियो थी ये थी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और जो मेन इटियोलॉजी है उसके बारे में। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।